आज हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ भटूरे की मैदा को मारेंगे और आप इससे देखेंगे बिल्कुल बाजार जैसे भटूरे बनते हैं। तो चलिए इसको मारना स्टार्ट करते हैं। भटूरे की मैदा मारने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी मैदा ली है, मान लीजिए 200 ग्राम मैदा होगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, ये टेबलस्पून का साइज ये था, और सोडा। तो चलिए इसको मारना स्टार्ट करते हैं। मैदा मारने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम ये मैदा डाल देंगे, सूजी डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम सोडा डालेंगे। जो सोडा वाटर लिए मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिए, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है ये। इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे, इसी से अपनी मैदा मारेंगे। मैदा को मैंने अच्छे से मार लिया है, देखिए सॉफ्ट एकदम। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, और बस सिर्फ उसके हाथ लगा के इसमें इसको हम अच्छे से फिर से मार लेंगे। हल्का सा ऑयल लेके मैंने फिर से बस मैदे में ऊपर से ऐसे लगा दिया है, बहुत थोड़ा सा। आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही ढक कर रखेंगे, जिसमें जो सूजी हमने इसमें डाली है और सोडा डाला है, इससे अच्छे से मैदा हमारी सेट हो जाए और सूजी फूल जाए। और आधे घंटे बाद इसके हम भटूरे बनाएंगे। आप चाहे तो उसको ज्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो आधे घंटे ही ठीक रहेगी। आप देख सकते आधे घंटा हो गया है, अपने मैदा को चेक करते हैं। देखिए अच्छे से सेट हो गई है, इसको फिर से एक बार हाथ से मसल लेंगे अच्छे से और उसको चिकना कर लेंगे। इस तरह से अब इसके हम भटूरे सेकते हैं, आटे की ऐसे लोई बना लिए, इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। आपको जैसा भी चाहिए, लंबा या गोल, आप किसी भी शेप का बेल सकते हैं। हाथों से अच्छे से खींच के ऐसे करके इस तरह से मैंने भटूरा बेल लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, उसको अच्छे से बहुत तेज गरम कर लिया है। अब इसमें हम भटूरा डालेंगे सेकने के लिए। और करछी से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे ये फूल जाए। देखिए कितना अच्छा बिल्कुल बाजार जैसा फूल गया है ये। दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस को आपको तेज ही रखना है, आपका ऑयल जब बहुत तेज गर्म होगा तभी भटूरा इतने अच्छे से फूलेगा। भटूरा सिक गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे।